गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट्स, वी शैल डिस्कस अबाउट द डिटरमाइनर्स। स्टैंडर्ड 7 आज आपको डिटरमाइनर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आप जानेंगे ताकि आगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, चाहे वो सेंटेंस बनाने में हो या वर्ड्स बनाने में। ठीक है, तो कैसे बनेगा उसको जानिए। डिटरमाइनर्स क्या है, पहले तो सबसे पहले कहीं पूछिएगा सर डिटरमाइनर्स क्या है। तो डिटरमाइनर्स वैसा वर्ड्स है जो जिसके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, हमेशा। यानी नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा का यूज होता है। यानी ऑलवेज डिटरमाइनर्स इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए नाउन। अब डिटरमाइनर्स का जो डेफिनेशन है उसको हम बोर्ड पर लिखा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, determiners are words used before nouns when referring to a specific or general thing, it shows it is used to show possession it is used to tell how much it is used to tell how many for example a can the many one little few much every Determiners are words. Determiners वैसे words हैं जो use होते हैं इसके पहले nouns के पहले, before मतलब पहले, noun के पहले use होते हैं determiners। ठीक है, when referring to a specific or general thing, जब refer करते हैं किसी specific noun को या general थिंग, यानी कोई विशिष्ट चीज को अगर बतलाना हो या कोई जनरल वस्तु को बतलाना हो उसको दिखाने के लिए डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है, और ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया, आप अपने नोटबुक में उतारेंगे। इट इज यूज टू शो पोजेशन, ये आपके अधिकार क्षेत्र को बतलाता है कि दिस इज माई बुक जो हम बोले दिस बुक बिलोंग्स टू मी, नहीं दिस इज माई बुक। जैसे माई बुक मेरा क्या हो गया, ये पोजेशन है,
ये मेरा किताब है, मेरे अलावा किसी का नहीं, वहाँ पोजिशन बताता है, ठीक है। उसी तरह इट इज यूज टू टेल हाउ मच, ये क्वांटिटी बताता है कितना, ये हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, ये क्वांटिटी बताता है हाउ मच, ठीक है। उसके अलावा इट इज यूज टू टेल हाउ मेनी, और कितना संख्या में है, इस चीज को भी हम वो बतलाता है, दैट इज ऑल्सो यूज एज फार एज दिस वन इज कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल ए कैन द मेनी वन लिटिल, ये सब क्या है, ये सब डिटरमाइनर्स है, ठीक है। बहुत सारे डिटरमाइनर्स आएंगे, लेकिन दे आर सो मेनी डिटरमाइनर्स दे आर विच आर गोइंग टू बी हाईलाइटेड हियर, ओके, सो यू गेट फेमिलियर। एग्जाम्पल क्या क्या है डिटरमाइनर्स के, ए कैन द ये सब एक्सेट्रा, इटीसी लिख लिया, बहुत सारे हैं, मैं आगे भी बताऊंगा कितने टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स है, क्या क्या एग्जाम्पल है, आई विल जस्ट ऑल एक्सप्लेन अबाउट इट, ओके। सो ये इसको यूज करेंगे हम लोग। अब आगे देखिए, कल मैं आपको एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिटरमाइनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन, इज़न्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मेनी पीपुल अटेंडेड द पार्टी, अटेंडेड द पार्टी, बहुत सारे लोगों ने पार्टी को अटेंड किया, ये मेनी पीपुल क्या है, ये हाउ मेनी, ये क्वांटिटी मतलब नंबर बताया कि बहुत सारे लोग, ये मेनी क्या हो गया आपका डिटरमाइनर्स हो गया, इसके जस्ट बाद आपका क्या है, ये नाउन, डिटरमाइनर के जस्ट बाद नाउन आया, और ये नाउन स्पेसिफिक रेफर कर रहा है स्पेसिफिक थिंग को, पीपुल को, दैट्स व्हाई ये बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है। सेकेंड वन है प्लीज, दूसरा एग्जाम्पल प्लीज गिव मी माई बुक, गिव मी माई बुक, तो यहां पर जो ये माई हो गया, ये क्या हो गया डिटरमाइनर्स, एंड दिस इज फॉलोड बाई ए नाउन, ये डिटरमाइनर्स नाउन के जस्ट पहले आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दीज ट्रीज आर सो ब्यूटिफुल, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये पेड़ जो है बहुत ही सुंदर है, और ये सुंदरता किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये डिटरमाइनर जो बीस ये जस्ट नाउन के जस्ट पहले आ गए, तो ये क्या किया आपको, ये शो कर रहे हैं कि किस तरह से ये पेड़ जो है ब्यूटिफुल है, और ये जो दीज है वो डिटरमाइनर यूज कर रहा है। तो यू कैन सी हाउ द डिटरमाइनर्स आर यूज बिफोर ए नाउन। अब ये अलग है कि डिटरमाइनर्स में आर्टिकल भी आते हैं, आर्टिकल भी आते हैं जैसे ए एन और द, तो आर्टिकल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे डेफिनेट आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स में आर्टिकल भी आता है, तो ए एन और द आप तो जानते ही हैं, तो ए और एन क्या हो गया डेफिनेट इनडेफिनिट आर्टिकल है, और द क्या है डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये द जो है एक पर्टिकुलर वस्तु विषय वस्तु को बताने के लिए यूज होता है, और ए एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये भी एक डिटरमाइनर्स का हिस्सा होते हैं। तो एक जैसे आई हैव अ पेन ए के बाद जस्ट नाउन आया, तो क्या दिखाया वो डिटरमाइनर्स शो किया,
A, I have a pen. I have a pen. A क्या किया यहाँ पर? Determiners use शुरू हुआ कैसे? क्योंकि just ये article के बाद noun आया और ये noun show कर रहा है pen को, हाँ, तो pen जो है noun को show कर रहा है, तो just it is followed by a noun, यानी ये determiner के just बाद क्या आया? Noun आया. तो इस तरह से देखते हैं and है. एंड का भी यूज करते हैं या वोवेल्स का यूज होता है, आप आर्टिकल में पढ़े होंगे. तो ये जितने भी तीनों वर्ड्स हैं ये बताज महल वो अलग है, तो एक डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ चुके हैं और उस ये भी एक डिटरमाइनर्स का हिस्सा है. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स और आर्टिकल भी आता है और अदर भी थिंग्स आएंगे, ठीक है. We shall discuss now. Okay? Till then, goodbye. We shall meet in the next video. Okay, thanks.